हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट, जो कि आया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। ट्रांसपोर्ट विभाग के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसके बारे में आप लोग को सारे जानकारी देने वाला हूँ। तो देखते रहिएगा पूरा वीडियो, एक एक करके आप लोग को सारे जानकारी देने वाला हूँ, जहाँ पर 8, 10 एंड 12 पास करके भी आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की अपडेट आया है, जहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, जल्दी से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो चलिए देख लेते किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, तमिलनाडु स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये जो है अपडेट आया है, जहाँ पे जो पोस्ट निकल के आया है, देख सकते हो, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिशियन एंड वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक के ऊपर पोस्ट यहाँ पे निकल के आया है, जो कि 4 पोस्ट यहाँ पे निकल के आया है। टोटल ऑफ वैकेंसी जो है 40, मतलब यहाँ पे दिया जा रहा है टोटल ऑफ वैकेंसी, जिसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन शुरू होने हो गया है, जहाँ पे अगर सैलरी की बात करें, 5,000 से 7,000 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखा है यहाँ पे, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, नो एप्लीकेशन फ़ीस। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो, कोई भी एप्लीकेशन आपको देना नहीं पड़ेगा। 8 और 10th क्लास पास कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा एप्लीकेशन किस तरह से करना है। एप्लीकेशन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन के लिंक, यहाँ से आप लोग इस वेबसाइट में आ सकते हो, यानी यहाँ पे आके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों, बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, आपको यहाँ पे apprenticeshipindia.gov.in में जाके आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कर देना है। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल के जो पोस्ट आया है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका आपका पर्सनल नेम, फादर्स नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड दे के आपको सबमिट करना है। इस तरह से एप्लीकेशन करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एप्लीकेशन आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन करने के बाद आप लोगों को सारे जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर यहाँ से एप्लीकेशन होने वाला है, तो आप लोग यहाँ से भी एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट देख रहे हो, जल्दी से जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप लोग को और भी कुछ जानकारी चाहिए, आप लोग कॉमेंट कीजिए, मैं उस कॉमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।